बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। शुमाली कोरिया के सरबराह ने किसी भी मुल्क की जानिब से हमले की सूरत में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया के सरबराह ने किसी भी मुल्क की जानिब से हमले की सूरत में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने बयान में कहा कि अगर दुश्मनों ने हमें जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी तो हम खुद एटमी हमला कर देंगे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने एक बयान में कहा कि किसी ने चढ़ाई करने की कोशिश की तो जौहरी हमला करने से दरेग नहीं करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बात शुमाली कोरिया के दिफा को मजबूत करने के लिए ज़रूरी हैं। किम जोंग उनका मजीद कहना था कि शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात फोर्सेस के अज़म और दुश्मनों को खबरदार करने का पैगाम है। दुश्मन अगर हमें न्यूक्लियर हथियारों से उकसाने की कोशिश करेगा तो हम खुद जौहरी हमला कर देंगे। हमारी फोर्सेस हर तरह के चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। कबल अज़ी अमरीका, जनूबी कोरिया और जापान ने शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बात की शदीद मजम्मत की थी। तीनों ममालिक के वज़राए खारजा का मुश्तरका बयान में कहना था कि गैर कानूनी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में पेशरफ्त के खिलाफ हैं। शुमाली कोरिया बगैर पेशगी शराइत के बातचीत करे। शुमाली कोरिया को जौहरी हथियारों से मुतालिक अपनी पॉलिसी के बायस आलमी पाबंदियों का सामना है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टैग टीवी। मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ट्रूडो का मकबूलियत कम होने के बावजूद कैनेडियन शहरियों की लड़ाई जारी रखने का अजम। ट्रूडो ने कहा कि वो लिबरल लीडर के तौर पर बरकरार रहेंगे, बढ़ते हुए पियर पॉलिवर को शिकस्त देंगे। कनाडा में रेस्टोरेंट्स पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी गई। रेस्टोरेंट्स प्लास्टिक के बैग्स, खाने के डब्बे या कटलरी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कैनेडियन हर साल 30 लाख टन प्लास्टिक का कचरा फेंकते हैं। टोरंटो में मौसम सरमा का बाज़ाब्ता आगाज हो गया। माहरीन मौसमियात का कहना है कि क्रिसमस में टोरंटो में मौसम सरमा का कोई वंडरलैंड नहीं होगा। शहर में हफ्ते को बारिश का इम्कान है। भारत में कोरोना फिर सर उठाने लगा। 328 नए केसेस रिपोर्ट। रियासत केरला में कोरोना के सबब एक शख्स जान की बाजी हार गया। मुल्क भर में मास्क एडवाइजरी जारी कर दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto immigration. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मकबूलियत में कमी के आसार के बावजूद कैनेडियंस के लिए लड़ाई जारी रखने का अजम किया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मकबूलियत में कमी के आसार के बावजूद कैनेडियंस के लिए लड़ाई जारी रखने का अजम किया है। एक इंटरव्यू में जस्टिन ट्रूडो ने अगले इंतखाबात में हिस्सा लेने का अहद किया, बावजूद इसके कि वो माली दबाव के बोझ तले दबे कैनेडियन में तेजी से अपनी मकबूलियत खो रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि वो लिबरल लीडर के तौर पर बरकरार रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जब कैनेडियन एक बार फिर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे तो वो एक बढ़ते हुए पियर पॉलिवर को शिकस्त देंगे। ट्रूडो का कहना था कि इस वक्त और भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि मैं कनाडा के लोगों का मकरूज हूं और ज़्यादातर जो मैं अपने बच्चों का एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर रोज़ लड़ने के लिए मकरूज हूं। इसका मतलब यह है कि मैं यहां कनाडा के लोगों के साथ खड़ा हूं और हर रोज़ उनके लिए लड़ूं। उनके गैर मुतजल्जल अज़म के अहद के बावजूद हालिया पोल्स ने दिखाया है कि कैनेडियन उनकी क़्यादत के बारे में शुभात में तेज़ी से इजाफा कर रहे हैं। एक हालिया सर्वे से पता चला है कि तकरीबन 3 में से 2 कैनेडियन ट्रूडो के बारे में मनफी तासर रखते हैं
और नेस चाहते हैं कि वो अगले इंतखाबात से कबल मुस्ताफी हो जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत कैनेडियंस को बचाने में मदद कर रही है। उनका कहना था कि हम पूरे मुल्क में बच्चों की निगहदाश्त की फीस को नेस में कम करने में कामयाब रहे हैं, सिर्फ उस वक्त जब ग्रोसरी और रहन के अखराजात बढ़ गए हैं। हम उन खानदानों को दांतों की देखभाल फराहम करने में कामयाब रहे हैं जो अपने बच्चों को दांतों के डॉक्टर के पास नहीं भेज सके हैं, और अगले साल से बुजुर्गों के पास भी ये इख्तियारात होंगे। कीमतों को कम करने के लिए हम ग्रोसरी स्टोर्स के लिए मजीद मसाबकत ला रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी हुकूमत ने इसराइल और हमास की जंग में जंगबंदी के लिए इतना वक्त क्यों लिया, तो उन्होंने पेचीदगियों को वजह करार दिया। उनका कहना था कि हम बैनुल अक्वामी कानून के मुताबिक अपने दिफा के इसराइल के हक को तस्लीम करते हैं और हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन गजा में एक इंसानी तबाही जारी है जिसके लिए दुनिया को जंगबंदी की तरफ धकेलने की ज़रूरत है, लेकिन ये जंगबंदी गैर मशरूत नहीं हो सकती, इसे होना चाहिए। हमास अपने हथियार डाल दे, इसे हमास को इंसानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने से रोकना होगा, इसे हमास को तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। कनाडा में रेस्टोरेंट्स पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब वो सार्फिन को ये चीज़ें पेश नहीं कर सकेंगे। मज़ीद अहवान इस रिपोर्ट में। कनाडा में रेस्टोरेंट्स पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब वो सार्फिन को ये चीज़ें पेश नहीं कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में अब रेस्टोरेंट्स प्लास्टिक के बैग्स, खाने के डब्बे या कटलरी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तहम अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस तरह की पाबंदियां गैर आइनी हैं। कैनेडियन हुकाम की जानिब से रेस्तरानों से कहा गया है कि वो सार्फिन को प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक के खाने के डब्बे या कटलरी पेश ना करें। एक मरतबा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक पर पाबंदी का कानून गुज़िश्ता बरस मुतारिफ कराया गया था, जिसका मकसद ये था कि 2030 तक प्लास्टिक वेस्ट को मरहलावार बुनियादों पर ख़त्म किया जाए। नवंबर में तेल और केमिकल कंपनियों ने इस सिलसिले में अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद कनाडा की एक अदालत ने मुकदमे में फैसला सुनाया था कि ये गैर माकूल और गैर आइनी अमल है। कैनेडियन हुकूमत ने हाल ही में अपील दायर करते हुए अदालत से दरख्वास्त की है कि वो इस पाबंदी को कलदम करार देने के हुक्म को वापस ले। इस तरह सिंगल यूज़ प्लास्टिक की तैयारी, फरोख या स्टोर में इस्तेमाल पर पाबंदी नाफिज हो गई है। कुछ शहरियों का कहना है कि ये अच्छी बात है कि स्टोर मालकान से ऐसा करने का तकाजा किया जा रहा है, जबकि कुछ लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि प्लास्टिक के मुतबादल को तलाश करना अभी इतना आसान नहीं है। वजीर माहौलियात स्टीवन गैल्बो ने कहा है कि साइंस वाजह है कि प्लास्टिक की आलूदगी हर जगह है और ये जंगली हयात को नुकसान पहुँचाती है और माहौल को नुकसान पहुँचाती है। ये कैनेडा और दुनिया भर में पाई जाती है। हुकूमत का कहना है कि कैनेडियन हर साल 30 लाख टन प्लास्टिक का कचरा फेंकते हैं, जिसमें सालाना 15 अरब बैग्स शामिल हैं, जबकि इसका सिर्फ 9% रिसाइकल किया जाता है। टोरंटो में मौसम सरमा का बाज़ाब्ता तौर पर जुमेरात की रात आगाज हो गया है, लेकिन इस क्रिसमस में टोरंटो में मौसम सरमा का कोई वंडरलैंड नहीं होगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो में मौसम सरमा का बाज़ाब्ता तौर पर जुमेरात की रात आगाज हो गया है, लेकिन इस क्रिसमस में टोरंटो में मौसम सरमा का कोई वंडरलैंड नहीं होगा। माहरीन मौसमियात को तवक्को है कि पूरे GTA में मौसम का बर्फ से बगैर आगाज होगा। कम दर्जा हरारत जुज़वी तौर पर अबर आलूद आसमान के नीचे -4 के करीब था, लेकिन ये -10 की तरह महसूस हुआ। माहरीन मौसमियात का कहना है कि शहर में हफ्ते को बारिश का इम्कान है। इसके बाद इतवार को, जो क्रिसमस की शाम है, शहर में रुकते वक्त सांता को मौसम सरमा के इजाफी सामान की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सब्स क्रिसमस के लिए तैयार हैं। ये ज़्यादातर अबर आलूद रहेगा, जिसका दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड के करीब है। हल्का मौसम क्रिसमस के दिन जारी रहेगा, जिसका दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड के करीब है और पेशन गोई में कोई बर्फबारी नहीं होगी। इन्वायरमेंट कैनेडा के चीफ क्लाइमेटोलॉजिस्ट का कहना है कि बाकी कैनेडा में भी सब्स क्रिसमस देखने को मिलेगा, क्योंकि इस साल मुल्क का बेशतर हिस्सा गैर मामूली तौर पर खुश्क और गर्म रहा है। तहम उन्होंने खबरदार किया कि मौसम के बढ़ने के साथ ही कैनेडा के शहरियों को सर्दियों के संगीन हालात का सामना करना पड़ सकता है। भारत में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के सबब एक बार फिर खतरे की घंटी बज गई है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। भारत में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के सबब एक बार फिर खतरे की घंटी बज गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए 328 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारतीय मीडिया का इस हवाले से कहना है कि मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 328 केसेस सामने आए हैं, जबकि रियासत केरला में कोरोना के सबब एक शख्स जान की बाजी हार गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोरोना के नए केसेस सामने आने के बाद मजमू केसेस की तादाद 2997 तक पहुँच गई है। भारत के मुख्तलिफ रियासतों में हुकाम को इस नए सब वेरिएंट से अलर्ट रहने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। भारतीय वजारत सेहत ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र मुल्क भर में मास्क एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक
तमाम बुजुर्ग शहरियों और एक से जायद बीमारियों के शिकार अफराद को मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। सऊदी अरब के मामर तरीन शहरी ने अपनी सेहत का राज बता दिया। वाज़ेह रहे कि भारत में कोरोना वायरस के एक नए वेरियंट JN1 के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसने नए खदशात को जन्म दिया है। टैक टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। शुमाली कोरिया के सरबराह ने किसी भी मुल्क की जानिब से हमले की सूरत में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया के सरबराह ने किसी भी मुल्क की जानिब से हमले की सूरत में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने बयान में कहा कि अगर दुश्मनों ने हमें जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी तो हम खुद एटमी हमला कर देंगे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने एक बयान में कहा कि किसी ने चढ़ाई करने की कोशिश की तो जौहरी हमला करने से दरहेज नहीं करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बात शुमाली कोरिया के दिफा को मजबूत करने के लिए ज़रूरी हैं। किम जोंग उनका मजीद कहना था कि शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात फोर्सेस के अज़म और दुश्मनों को खबरदार करने का पैगाम है। दुश्मन अगर हमें न्यूक्लियर हथियारों से उकसाने की कोशिश करेगा तो हम खुद जौहरी हमला कर देंगे। हमारी फोर्सेस हर तरह के चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। कबल अजी अमरीका, जनूबी कोरिया और जापान ने शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बात की शदीद मजम्मत की थी। तीनों ममालिक के वज़राए खारजा का मुश्तरका बयान में कहना था कि गैर कानूनी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में पेशरफ्त के खिलाफ है। शुमाली कोरिया बगैर पेशगी शराइत के बातचीत करे। शुमाली कोरिया को जौहरी हथियारों से मुतालिक अपनी पॉलिसी के बायस आलमी पाबंदियों का सामना है। टैक टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।